वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशन्स सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। बच्चों कैसे हैं? कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी या गर्मी? सर्दी के मौसम में मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, और हाँ एक और जानवर से बिल्कुल जल्दी नहीं उठा जाता सर्दी में, ये है मोटा ताजा भालू। इसे सर्दी में जल्दी उठना पसंद नहीं है। और ये नन्हा सा शेर का बच्चा, बहुत बदमाश है ये। इसे जब ठंड लगती है ये सिकुड़ के सो जाता है। लेकिन ये जो माली हैं, ये हमारे पेड़ों की रक्षा करते हैं, और इन्हें पसंद नहीं अगर किसी भी पेड़ की डाल टूट जाए। ये सब कुछ आज हम जानेंगे सुंदर सी कहानी में। ये कहानी है एक भालू काका की, एक नन्हे शेर के बच्चे की और एक माली की। और इस कहानी का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। कहानी में भालू सैर को निकलते हैं और सिकुड़कर ठंड में सोया हुआ शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे उन्हें फुटबॉल सा दिखाई देता है। वो खींच के फुटबॉल के दिखने वाले उस शेर के बच्चे को लात लगा देते हैं, और उनकी लात खाकर उछलता हुआ शेर का बच्चा डाल को पकड़ लेता है। बच्चे को ऐसे उछल कूद करने में मजा आने लगता है। वो बार बार कहता है, शेर काका फिर से उछालो ना। शेर भी कई बार उछालता है, और 12 बार उछालने के बाद जब वो थक जाता है तो वो घर को भाग जाता है। और इस बार क्योंकि शेर के बच्चे को कोई लपकने वाला नहीं था, इसलिए शेर का बच्चा धड़ाम से गिर जाता है। उसे गिरा देखकर माली उस पर चिल्लाते हैं, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी। शेर का बच्चा कहता है, मुझे संभलने दो। और जब माली कहता है, ठीक है मैं थोड़ा जाके आता हूं, शेर का बच्चा वहां से 9 to 11 हो जाता है। पूरी कहानी बदमाशियों से भरी है। क्या आप मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना चाहोगे? चलो पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ऐसे गोल गोल सर्दियों के मौसम में इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। भालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, और वो भी तब जब सर्दी पड़ रही हो। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो क्या देखा? ये दिख रहा है ना भालू, उसे जामुन के पेड़ के नीचे क्या दिखाई दिया? आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्म हासिल हो जाए। तो गर्मी बहुत जरूरी होती है, तो उसने कहा थोड़ी गर्मी मुझे मिल जाएगी जब मैं इस फुटबॉल, जो कि असल में क्या था, शेर का छोटा बच्चा ऐसे गोल मटोल बन के सोया हुआ था। आप देखा ना था, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, एक जोरदार किक मारी। आप भी फुटबॉल को जोरदार किक मारते हो ना बच्चों? हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये देखो, यहां से किक मारी और शेर के बच्चे ने यहां पर डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। साहब, भालू साहब को मामला समझ आ गया, पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। क्या आपने कभी किसी को लपका है बॉल को? उसके अलावा इस भालू साहब ने उस शेर के बच्चे को गिरने से बचा लिया, उसे लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना आपके, जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी तो कहते होंगे, मम्मा गोद में उठा के उछालो ना। तो वैसे ही शेर का बच्चे को लगा कि उसे मजे आ रहे हैं, उसने भालू को क्या कहा, फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। दादा का मतलब ये नहीं, दादा, दादा मतलब बड़े भाई, है ना? तो जैसे बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो दादा पूरे भारत में हम सब भी अपने बड़े भाइयों को दादा कह सकते हैं। तो यहां पर प्यार से नन्हे से शेर के बच्चे ने भालू दादा से क्या कहा, एक बार फिर से उछालो। दो बार, तीन बार, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। वो तो सुबह सुबह सैर पर निकले थे, गर्मी लेना चाहते थे, लेकिन अब वो थक गए, परेशान हो गए। ओहो किस आफत में आ फंसा।
बारहवीं बार उछालते ही बालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। वो दौड़े घर की ओर और वहां से चूम अंतर हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धराम से जमीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ये रहा माली। जब डाल टूटी तो माली ने शेर के बच्चे को डांटना शुरू किया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। हरजाना मतलब वो पैसे, जिससे कि ये किसी भी चीज को आप अगर गलत तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं या तोड़ देते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट में वो आप पर कुछ फीस लगा देते हैं, पैसे दो। वैसे ही हरजाना मांग रहे थे। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं, गिरा है ना वो अभी। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूं। तो माली वहां से चला गया। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब गिनती वाला नहीं है, दौड़ कर भाग जाना, वहां से रफू चक्कर हो जाना। तो रफू चक्कर, 9-2-11 ऐसे कहते हैं, ये मुहावरे हैं और इनका मतलब होता है तेजी से दौड़ जाना। तो वहां से 9-2-11 शेर का बच्चा भी हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए का मतलब क्या होता है? सबसे जरूरी अपनी जान होती है, उसे बचा लिया तो उससे बड़ी धन दौलत कोई नहीं, ऐसा शेर के बच्चे को लगा। बड़ी मस्त, मजेदार और रोमांचक कहानी थी। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं इस वीडियो पर अभी।